सो हेलो गाइस, अगर आप एक माइनर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। सो गाइस, अगर आप माइनर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर, और उसमें एक महीने की लिमिट होने वाली है 60,000 रुपीज़ तक आप लोग रख सकते हैं अकाउंट पे अपने, और कहीं पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी QR कोड पे, किसी भी बार कोड पे, कहीं पे बिल पे, कहीं पे भी आप लोग उस चीज़ को वहाँ पे कर सकते हैं। तो और बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी बैंक ट्रांसफ़र में। मैं आप लोग को अपनी हिस्ट्री दिखा देता हूँ मैं कैसे ट्रांसफ़र करता हूँ बैंकों में। सो मैं आप लोग को अपनी हिस्ट्री पेमेंट दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने UPI पे पेमेंट, सब कहीं पे पेमेंट, बार कोड पे, कहीं पे आप शॉप पे भी, कहीं पे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी रिचार्ज, बिल रिचार्ज कोई भी। और ये देखिए, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ सब कहीं, ये देखिए मैंने UPI पे किए पेमेंट, और आप लोग भी कर सकते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल ईजी है। बस आप लोग को कुछ नहीं करना होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट पेमेंट रहती है इसमें, बहुत ज़्यादा फास्ट। ये देखो मैंने QR पे पेमेंट किया अभी, ये अमेजोन पे, एयरटेल पेमेंट बैंक पे मैंने किया पेमेंट, कहीं पे भी आप पे, कोई से भी बैंक पे कर देखिए कितनी साफ पेमेंट, कितनी जल्दी पेमेंट हुई। सो गाइस, अगर आप लोग को कैसे क्या करना है KYC, चलिए आगे मैं बताता हूँ। और बिल्कुल ही इजी तरीका है इसको यूज़ करने का, तुरंत बहुत जल्दी पेमेंट रिसीव होते, बहुत जल्दी पेमेंट ट्रांजेक्शन होती है। और इसको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे आप लोग के KYC करनी है, बिल्कुल इजी तरीका है। आप लोग चलिए आपको फ़ोन के स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको KYC स्टेप दिखा देते हैं कैसे आप लोग को KYC करनी है। आप लोग ओपन करते ही आप लोग को मोबाइल नंबर आप लोग को एंटर कर लेना होगा, पे वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप लोग को कंप्लीट प्रोसीड टू KYC आप लोग को करना होगा। फिर आप लोग को पैन कार्ड पे, जैसा आपका नाम है, आप अपने मम्मी पापा का पैन कार्ड लगा रहे हैं तो उनका ही नाम यहाँ पे डालिए, और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, और डालने के बाद आप लोग को डन कर देना होगा, फिर आप लोग को कंटिन्यू कर देना होगा। और उसके बाद जिसका आपने पैन लगाया हो, उन्हीं का, अपने मम्मी पापा का, किसी का भी लगाया हो, भाई बहन, तो उन्हीं का आधार कार्ड नंबर जिस पे लिंक होगा वो नंबर, उसे उसको वो आधार नंबर डालना होगा आप लोग को यहाँ पे, कैप्चा कोड। उसके बाद आप लोग का कैप्चा कोड फिल करने के बाद नेक्स्ट करना होगा, फिर आप लोग का OTP आएगा, एक OTP आएगा फिल करने के बाद उस जिस नंबर पे लिंक है। और मैं बता दूँ कि आप लोग किस कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, चाहे नंबर आधार से लिंक दूसरा हो। और यहाँ पे 6 डिजिट का आप लोग को सिक्योरिटी पिन डालना होगा, अगर आपको नहीं पता तो फॉरगेट कर सकते हैं आप लोग। फिर आप लोग को टेक अ सेल्फी पे क्लिक कर देना होगा, फिर आप लोग को सेल्फी अपने जिसका आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड लगाया है उन्हीं का सेल्फी ले लेना होगा। सेल्फी वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग को यहाँ पे, आप लोग को जो भी हैं आप सैलरीड हैं, वैसे तो आप स्टूडेंट हो गए क्योंकि 0 से 18 खोल हैं, तो आप लोग को सेल्फ एम्प्लॉयड कर देना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड करके आप लोग को यहाँ पे कुछ भी प्रोफेशन में आप लोग ट्रेडर वेडर भी कुछ भी कर सकते हैं, वो अनमैरिड करके, और मतलब जैसे भी आपका पैन कार्ड पे जैसा ही मैरिड है तो आप लोग को मैरिड कर देना होगा। और यहाँ पे मेल और इंटर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम जिसका आपने पेन लगाया है उनके पापा का नाम यहाँ पे टाइप कर देना होगा उसके नीचे फादर्स नेम में। अब आप लोग के 80% KYC हो चुके हैं, 20% बाकी है। यहाँ पे आप लोग को पॉकेट UPI पे क्लिक कर देना होगा, पॉकेट UPI पे क्लिक करने के बाद आप लोग को पॉकेट UPI पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग को यहाँ पे क्रिएट आ पॉकेट UPI ID का देखने को मिलेगा, आप लोग को वहीं पे क्लिक कर देना होगा।